नमस्कार साथियों इस वीडियो में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 18 सितंबर की पीटीआई अध्यापकों की पूरी अपडेट क्या है पूरी इंफॉर्मेशन पूरी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक देखना और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को शेयर करना तो पीटीआई आंदोलन सर्व कर्मचारी संघ के तत्वाधान में किया रोष प्रदर्शन पीटीआई की बहाली को लेकर कर्मचारियों ने किया डिप्टी सीएम की कोठी का घेराव ये हरी भूमि सिरसा की तरफ से खबर दी जा रही है सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले अपनी बहाली को लेकर लघु सचिवालय में धरने पर बैठे बर्खास्त पीटीआई टीचर्स ने बिरवर को कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बरनाला रोड स्थित आवास का घेराव किया इस दौरान भारी पुलिस बल भी कोठी के बाहर तैनात किया गया ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके घेराव करने वालों में आशा यूनियन मिड डे मील यूनियन आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर यूनियन बिजली यूनियन रोडवेज यूनियन रिटायरमेंट कर्मचारी संघ सुपरवाइजर वेलफेयर एसोसिएशन नगर पालिका फायर यूनियन अध्यापक संघ सहित अन्य संगठनों के कर्मचारी नेता शामिल थे पीटीआई नेता कुलवंत सिंह सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान मदन लाल खोत ने कहा कि सरकार कोविड की आड़ में कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की साजिश कर रही है हजारों कर्मचारियों को सरकार ने घर भेज दिया और हजारों को घर भेजने की तैयारी कर रही है उन्होंने बताया कि सरकार की मंसा सभी विभागों को निजी हाथों में सौंपने की है जिसका सीधा सीधा फायदा पूंजीपतियों को होगा आए दिन जन विरोधी नीतियां बनाकर जनता को त्राही त्राही करने पर सरकार ने मजबूर कर दिया है कर्मचारी नेताओं ने कहा कि अब समय आ गया है कि सरकार को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए तो साथियों उसी की भाषा में जवाब देने के लिए ही सिरसा में ये आक्रोश अगर अब समय निकल गया तो आगामी समय में आमजन के लिए दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो जाएगा ये कहना है कर्मचारी शंका इस मौके पर भिवानी से विनोद सागा करनाल से संदीप राणा हिसार से विजय कुमार जींद से दिलबाग जाखड़ कैथल से विजय बोरार फतेहाबाद से रजवंत सिंह आसा से जिला प्रधान कलावती मिड डे मील से राज रानी आंगनबाड़ी से जिला प्रधान कृष्णा प्रमीला चौधरी बिजली यूनियन से आपके सुखदेव सिंह खरीकिशन कम्बोज लखवीर एलाहाबाद से कार्यकारी प्रधान राजकुमार उज्जर सुपरवाइजर से नेत्री रचना अंबिका फायर से राजेश स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी से जिला प्रधान सुमित्रा अध्यापक संघ से कृष्ण नैन तो साथियों इस प्रकार अलग अलग संगठनों से अलग अलग नेताओं ने लिया भाग और ये दूसरी खबर है कर्मचारियों ने डिप्टी सीएम का किया घेराव तो ये आपको खबर ये भी सिरसा से ही दी जा रही है तो सिरसा से खबर में इस प्रकार है ये जागरण अखबार की तरफ से खबर है तो बिरवार को बरनाला रोड स्थित डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के आवास के समक्ष विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी संगठनों ने बर्खास्त पीटीआई की बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया वहीं आशा वर्करों ने भी अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा कर्मचारी संगठनों ने रोष प्रदर्शन करते हुए चौटाला हाउस के समक्ष भारी पुलिस बल तैनात रहते हुए भी प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ खूब जमकर नारेबाजी की इस मौके पर एसडीएम जयवीर यादव डीएसपी नरसिंह अरबंद चौधरी सहित भारी संख्या में पुलिस बल डिप्टी सीएम के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपने पर अड़े रहे बाद में उपायुक्त या उपायुक्त के साथ एडीसी को बुलाने की बात कही बाद में एसडीएम को ज्ञापन देकर वापस धरना स्थल पर पहुंच गए तो साथियों ये थी आज की पीटीआई अध्यापकों से संबंधित ताजा अपडेट इसी प्रकार की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में लिखकर जरूर बताना धन्यवाद साथियों नमस्कार साथियों जय हिंद